गुजराती फिल्म गौरक्षक को गुजरात के बाद मुंबई के गुजराती सिनेमा प्रेमियों को खूब पसंद आ रही है। मुंबई के बाद वसई के केटी सिनेमा हॉल में गौरक्षक फिल्म देखने के लिए भारी संख्या में गुजराती समाज के लोग पहुंचे। इस मौके पर स्वामी जी के विशेष आग्रह पर वसई विरार महानगर पालिका की प्रथम महापौर प्रवीणा हितेन ठाकुर भी शामिल हुई। उन्होंने गौरक्षक फिल्म के निर्माता पंकज गोस्वामी, अभिषेक दुबे, निर्देशक मनोज नाथवानी सहित पूरी टीम को एक सार्थक फिल्म बनाने हेतु बधाई दी। इस मौके पर फिल्म देखने आए दर्शक और उपस्थित कलाकारों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। मैं इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार कर रहा हूँ और फिल्म बनाई है हमारे पंकज कुमार गोस्वामी जी ने और अभिषेक दुबे जी हमारे कलाकार भी है और हमारे निर्माता भी है और पंकज मनोज दत्तवाणी साहब है जिन्होंने ये लिखी भी है और डायरेक्ट भी की है और एक छोटा सा रोल भी किया हुआ है। इनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार फिल्म में काम किया मगर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये पहली बार काम कर रहे हैं। गाय माता की रक्षा करना हम सबका फर्ज है और बस यही बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिसमें 33 करोड़ देवता है उसे क्यों मारना, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। हमारे जो मुख्य निर्माता है श्री पंकज गोस्वामी जी, मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे को बात की और फिर फिल्म आगे बढ़ी। और हमारे लिए एक फिल्म नहीं है, हमारे लिए एक मिशन है, एक अभियान है। गुजरात में फिल्म अच्छी चल रही है, इसमें नया स्कोप आ रहा है। मुंबई में कई जगह प्रीव्यू रखने के बाद आज वसई में रखा गया है, कैसा रिस्पॉन्स? बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हो शो हाउसफुल है और वसई की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आगे क्या आपका प्रोजेक्ट है आने वाले दिनों में और क्या करना? आने वाले दिनों में यही फिल्म को अभी हमने पहले गुजराती में रिलीज़ की है, आने वाले दिनों में हम इनको हिंदी में डब करके पूरे इंडिया में रिलीज़ करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम अंग्रेजी भाषा में भी रिलीज़ करने का सोचा है। शरद देसाई सर जी, क्या कहना चाहेंगे गौरक्षक के बारे में? वसई में प्रीव्यू रखा हुआ है, वसई में जो आज प्रीव्यू है हाउसफुल है, लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की ये पहली फिल्म है गौ मैया पे और लोगों बहुत पसंद कर रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है वो भी इंटरनेशनली चले ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदुओं के लिए ये बहुत महत्व की बात है। गौ रक्षा, गौ को माता मानते हैं और गौ रक्षा पे ये पहली फिल्म जो बनी है बहुत ही बढ़िया है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं प्रीतेश भरूचा, इस फिल्म का एक छोटा सा किरदार हूँ। गौरक्षा के ऊपर, गौरक्षक के ऊपर ये पहली बार किसी ने कोशिश की है फिल्म बनाने की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति के ऊपर बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है। लोग इसे देखेंगे समझेंगे, गौरक्षा सिर्फ एक कानून न रहकर वो जन जन का आंदोलन बने ऐसे मैं कामना करता हूँ। वसई में हाउसफुल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा थिएटर सीट टू सीट पैक हो गया है और इससे पहले पता चलता है ये लोग गाय माता को कितना मानते हैं और ज़्यादातर ये गुजराती पब्लिक है वो गाय माता को बहुत मानती है। गुजरात से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है? हाँ जी, गुजरात से हमने कल मैंने वहाँ गोरेगांव में भी किया, उस बार भी अच्छा रिस्पांस था। आगे क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर ही रहता है आप लोग टीम का? पहले भी देखो पिक्चर काफ़ी चलेगी, हमने देख लीजिए क्या कहना चाहेंगे। गौ रक्षा के बारे में जो कहना है वो इस फिल्म में हम लोगों ने कह दिया है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। अगर आपने पूछा है तो इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर भारत भूमि पे रहना होगा तो गाय को मैया कहना होगा। गुजरात में कुछ सिनेमा मालिकों ने इसे देखने दिखाने से पहले मना किया था, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद आप क्या कहेंगे उनके लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने मना किया उनके दुर्भाग्य है और जिन्होंने स्वीकारा उनके सौभाग्य है। क्या कहना चाहेंगे गौरक्षक के बारे में? बहुत अच्छा है, अच्छा किया है सर। फिल्म में थोड़ा देखने सुनने को मिला, थोड़ा सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? महाराज ने जो कहा गौ माता गायत्री और गंगा ये तीनों की रक्षा ये हम गुजरात में हमारे जो हिंदू समाज उसको ही उसकी रक्षा करें और गौ माता को माता कहना जरूर।
तक से फिल्म देखी, कैसी लगी? अच्छी लगी। क्या कहेंगे? अच्छा मैसेज दिया हुआ है पब्लिक को जानने के लिए कि वी हैव टू सेव और गाय को जो फील करते कोशिश की और ये बहुत बढ़िया बना और अच्छा काम किया है और हम भी इसको आगे प्रमोट करेंगे और दूसरे शहरों में लेके जाके दूसरे हमें एक